हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। किसानों के स्वीकृत अधिकतम साख सीमा तक फसली ऋण उपलब्ध कराए सरकार। देवल रानीवाड़ा 15वीं विधानसभा के 7वें सत्र के 20वें दिन प्रश्नकाल में रानीवाड़ा विधायक एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण सिंह देवल ने सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना से किसानों की स्वीकृत अधिकतम साख सीमा के अनुसार ऋण उपलब्ध कराए जाने की मांग की। विधायक देवल ने सहकारिता विभाग से संबंधित अपने तारांकित प्रश्न के माध्यम से सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना से पूछा कि सहकारी बैंकों सहकारी समितियों द्वारा किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध कराया जाता है, उसकी अधिकतम साख सीमा 1.5 लाख रुपए होने के बावजूद किसानों को मात्र 15 से 20 हजार रुपए ही दिए जाते हैं, जिससे किसानों को मजबूरी में बाजार में ऊंची ब्याज दरों पर ऋण लेना पड़ता है। इससे किसान ना तो बाजार का ऋण चुका पाता है और ना ही सहकारी समितियों अथवा बैंकों का ऋण चुका पाता है और कर्ज के बोझ तले दबता चला जाता है। मंत्री आंजना ने विधायक देवल को जवाब में बताया कि सरकार अधिकतम साख सीमा और उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर ऋण उपलब्ध कराती है। रानीवाड़ा विधानसभा में कुल 1909 किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस पर विधायक देवल ने कहा कि अपने जो 1909 किसान की लिस्ट उपलब्ध कराई है, उसमें अधिकांश किसानों की अधिकतम साख सीमा 1.5 लाख रुपए की है, लेकिन एक भी किसान को 1.5 लाख रुपए का ऋण नहीं दिया गया है। और मेरी यही मांग है कि हमारी सरकार के समय 2018 से पहले किसानों को उनकी अधिकतम साख सीमा के अनुसार पूरा ऋण उपलब्ध कराया जाता था। ऋण माफी हमारी सरकार ने भी की थी, लेकिन ना तो हमने किसानों को ऋण देने में कोई कमी की, ना ही ऋण माफी से किसी भी किसान को वंचित रखा। फिर 2019 में आपने जो ऋण माफी की, उस समय आपने इस सीजन में 2 किसानों को ऋण नहीं दिया, और जब दिया तो केवल 15-20 हजार रुपए, जबकि उससे कई ज्यादा खर्चा किसान खाद बीज बुवाई निराई गुड़ाई और कटाई पर कर देता है, तो फिर वो बाकी पैसों का इंतजाम कहाँ से करे। देवल ने मांग की है कि किसानों को उनकी अधिकतम साख सीमा यानी 1.5 लाख रुपए एक मुश्त उपलब्ध कराया जाए। तत्पश्चात विधानसभा अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को इस प्रश्न से संबंधित पूरक प्रश्न पूछने के लिए नाम पुकारा, तो नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने सहकारिता मंत्री से पूछा कि आपने वर्ष 2021 से 22 के बजट में सहकारिता विभाग के लिए 3,718 करोड़ रुपए का बजट रखा था, जो वर्ष के अंत में बढ़कर 4,479 करोड़ रुपए का हो गया था। अब की बार 2022 से 23 में आपने उसका आधा करके केवल 2,337 करोड़ ही कर दिया। देवल ने कहा कि जब आपने बजट में आधा कर दिया, तो क्या आप इसीलिए ही किसानों को पूरा ऋण देने में असमर्थ हैं? इस पर सहकारिता मंत्री ने जवाब दिया कि पहले किसानों की संख्या कम थी, अब ऑनलाइन प्रक्रिया होने के कारण किसानों की संख्या बढ़ गई है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि किसानों की संख्या बढ़ने के कारण जो उपलब्ध वित्तीय संसाधन है, उनके अनुसार ऋण की राशि कम उपलब्ध कराई जा रही है। जागरूक टीवी के लिए रानीवाड़ा से विद्या मदन माहेश्वरी की रिपोर्ट।